राज, कल हम मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस में मिलेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो बेकार में वृंदा को शक होगा। वो आप नहीं थे तो कामिया जी का फोन आया था, मैंने रिसीव किया। कल पनवेल जाने की बात कर रहे थे, आप ही फोन करके पूछ लीजिए। नीचे आ रहे हैं ना खाना खाने? नहीं, मेरे को भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मुझे लगा कि कामिया का फोन सुनने के बाद वृंदा जी के चेहरे पर धोखे का एहसास देख पाऊंगा, पर उनके चेहरे पर तो शिकन की लकीर तक नहीं है। क्यों उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, अभी आई। मैं वो तुम्हारे पापा को बुलाने गई थी खाने के लिए। पर वो कहाँ है? वो नहीं आ रहे, उन्हें भूख नहीं है। भूख नहीं है? अच्छा आप एक काम कीजिए, आप नीचे चलिए, मैं पापा को बुला कर लाती हूँ। अरे मेरी बात सुन, तुमसे कामिया, तुम्हारी क्या बात हुई है वृंदा जी से? मेरा मतलब है, तुमसे बात करने के बाद में उन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। शक तो दूर की बात है, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं है। वो तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राज, मैंने वृंदा से वही सब कहा जो तुमने मुझसे कहने को कहा था। लेकिन देखो राज, ये बहुत अच्छी बात है कि वृंदा ने तुम पर शक नहीं किया। और उसका शक ना करना यही कहता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, कितना भरोसा है उसे तुम पर। हाँ, ये भरोसा ही मेरे को तोड़ना है। मेरे को लगता है फोन पे बात करने से कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनका भरोसा शीशे की तरह टूट जाए। राज, मानो मेरी बात, ऐसा मत करो, कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। हासिल कैसे नहीं होगा? तुम जानती नहीं हो हमें वृंदा जी को तकलीफ में देख के मेरे को कितना सुकून मिलेगा। मेरे दर्द की दवा उनका दर्द ही है। अब आगे क्या कहना है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ऊपर क्यों आ गए? आपने खाना खाने से मना क्यों कर दिया? नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। अब तुम आई हो मेरे को समझाने के लिए? मैं आपको समझाने नहीं, मैं आपको बुलाने आई हूँ। और जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक मैं भी नीचे नहीं जाऊंगी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा, पर जरा सोचिए, अभी तो सिर्फ मैं ही आई हूँ आपको बुलाने। धीरे धीरे सब आ जाएंगे, बड़े पापा, नानी, पर नानी। और तुम जाके सबसे कहो कि मुझे खाना नहीं खाना है और कोई मुझे परेशान ना करे। जाओ। सॉरी पापा, आप तो बहुत जिद्दी हैं, पर आपसे ज्यादा जिद्दी तो मैं हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप बैठकर आपको तंग ना करूं, तो आप नीचे चलिए और खाना खाइए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना नीचे। ठीक है, अगर आप नीचे नहीं आना चाहते तो खाना तो ऊपर आ सकता है ना। मैं अभी आपका खाना और मेरा खाना डाल कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं, अरे मेरी बात, क्या बीमारी लगी मेरे पीछे? चे, 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 चे।
ये हमारे गांव में तो सिस्टम ही उल्टा है जी, लोग जीने के लिए नहीं खाने के लिए जीते हैं। आप खाना बढ़िया होना चाहिए। आप भी ना चाचा जी बड़ा मजाक करते हैं ना। वो सब तो ठीक है, पर ये अपना राजवीर कह रहे क्या भाई है? जी भाई साहब, वो उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। हाँ, वो काम में बिजी है तो मैं उनका खाना। अरे आजा भी आजा। अरे थारा इंतजार कर रहे थे सब खाने पे। आजा बैठ जा भाई, आजा। जा बेटा बैठ जाओ। आज त्योहार का दिन है और पूरा परिवार साथ में है, कितनी खुशी की बात है। ऐसे में अगर पुराने रीति रिवाज निभाए जाए ना तो खुशियां दुगनी हो जाती है। पता पुराना रिवाज क्या है? अगर त्योहार के दिन पति पत्नी एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाए ना तो उनमें प्यार और दुगना हो जाता है और बढ़ जाता है। सच्ची? हाँ बेटा। भाई बेबे जी, आपने ये बात तो ना बहुत ही बढ़िया कही। भाई सुषमा, तू जल्दी से जो है ना मन्ने खाना खिला, और वृंदा तू राजवीर ने खिला। और भाई तेज जी, तू ना एक काम कर, तू सासू माँ की ना रोटी की टिकट करा दे। अरे ससुर जी को खाना खिला के आएंगे वहां पर जल्दी से। हैं देखा लाडू रानी, जब सब यहाँ पर बैठकर त्योहार मनाने की सोच रहे हैं तो मेरे दामाद जी मुझे रोहतक भेजने की बात कर रहे हैं। अरे रुक भाई, हैं? अपने आप क्यों खा रहा है? अरे बृंदा खिलाएगी तने अपने हाथ से। सुना नहीं रिवाज होता है आज के दिन? हाँ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होता भी तो मुझे बेकार की बातें लगती है। अरे बावड़े सनी कहते हैं ना, बुजुर्गों की बातों को बेकार की बातें नहीं कहा करते। और तू ऐसे कैसे कह रहा है भाई? अरे तू ही तो था जो इन्हीं बुजुर्गों की बातों को इतना महत्व दिया करता था भाई, और इन बुजुर्गों की बातों को ना आशीर्वाद के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि इन बुजुर्गों की रीति रिवाज जो ना वो हमारी धरोहर है भाई, हमें इन्हें संभाल के रखना चाहिए। समझ गया? हाँ चल वृंदा, इक्के देख रही है, खिला चल। I'm sorry. बड़ी रानी, ये रिवाज तो बहुत अच्छा है। ये रिवाज अगर मम्मा पापा रोज करें तो सोचो इनके बीच में कितना प्यार बढ़ जाएगा। अच्छा भाई साहब, कल मैं बिजनेस के सिलसिले में कामिया के साथ पनवेल जा रहा हूँ, मैंने चार से बता दू। और अंकल, आपको पता है फिर क्या हुआ? बड़े पापा ने पापा को कहा कि मम्मी के हाथ से पापा खाना खाएंगे। बेचारे पापा, फिर उन्हें चुपचाप मम्मी के हाथ से खाना खाना पड़ा। सब इतने खुश थे
पर पापा थोड़े से अपसेट लग रहे थे। मुझे पापा के साथ ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ मम्मा पापा को एक करना चाहती हूँ। पता है अंकल, हम लोग जब से इस घर में आए हैं तब से मैंने पापा को कभी मम्मा से बात करते हुए नहीं देखा। हमेशा मम्मा ही पापा से बात करने की कोशिश में लगी रहती है। हर बार मम्मा यही सोचती है कि शायद पापा इस बार उनसे बात करेंगे, पर तुलसी बेटा तुम अपसेट क्यों हो गई? हाँ, हम दोनों को तो लगा था कि तुलसी कभी हार नहीं मानेगी, और फिर तुम हार मान ली तुमने। बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था, भगवान जी भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो लोग खुद अपनी मदद करते हो, जिनमें हिम्मत होती हो, और फिर हम तीनों एक साथ हैं ना। चलो लाओ हाथ दो, तुम भी तुलसी, और हाँ नाउ क्यूट स्माइल। अंकल मुझे आपको एक बात बतानी थी, आज पापा काम्या आंटी के साथ एक मीटिंग में पनवेल गए हैं। हाँ नील बोलो। हाँ भैया। अच्छा आपको याद है ना आज मीटिंग है, टाइम पर पहुंच जाइएगा, कहीं मीटिंग फिर कैंसिल ना हो जाए। ठीक है नील, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया। अच्छा बच्चों अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है, और हाँ मैं अपने प्लान के बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। ओके बाय। बाय अंकल। और हाँ भैया, मैंने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से पढ़ ली, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग। हेलो मिस्टर युग, मैं वाधवा साहब का मैनेजर हूँ। जी वो मीटिंग के लिए आ रहे हैं, आप चलकर बैठिए तब तक। जी जी हमारे चलिए। तुम आ जाकर बैठो, मैं वॉशरूम कर रहा था। ठीक है जल्दी। I'm sorry. Rajveer? मुझे आपको एक बात बतानी थी, आज पापा काम्या आंटी के साथ एक मीटिंग में पनवेल गए। इसका मतलब राजवीर ने अपने घर झूठ बोला कि वो काम्या के साथ बिजनेस के सिलसिले में पनवेल जा रहे हैं, पर उसने झूठ क्यों कहा? मोबाइल तो कार में रह गया। मिस्टर राजवीर सिंह शहरावत किसी और औरत के साथ ब्लू डायमंड होटल के रूम नंबर 1406 में है। आपके पास लगाई सजना। हेलो, देखिए मिसेज वृंदा शेरावत, मैं कौन बोल रहा हूँ इससे आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझिए। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके पति मिस्टर राजवीर सिंह शेरावत किसी और औरत के साथ ब्लू डायमंड होटल के रूम नंबर 1406 में। मिसेज शेरावत, आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने का, भूलिएगा मत। ब्लू डायमंड होटल रूम नंबर 1406।
ये सब क्या हो रहा है? राजवीर यहाँ काम्या के साथ, और ये आदमी आके था कौन? मैं देख कर आता हूँ। जैसा आपने मुझे कहा था वैसा ही मैंने आपकी पत्नी को कह दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आखिर तुम करना क्या चाहते हो राज? और उस आदमी से क्या करने को कहा था तुमने? मैंने से कहा है कि बिंदा जी को फोन करें और उनसे कहे कि मैं बिजनेस के सिलसिले में तुम्हारे साथ पनवेल ले गया हूँ इस होटल में, ताकि बिंदा जी सब जानने के लिए यहाँ पे आए और हम दोनों को इस कमरे में एक साथ देखें। राज, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? अरे नफरत के आग में तुम अंधे हो गए हो राज, सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। ये सब पागलपन है राज, मत करो ऐसा, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तुमने वृंदा को भी बता दिया? वृंदा जी को बताना बहुत जरूरी था। मैं चाहता हूँ कि वो हमें एक साथ देखे, मैं चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन्हें तकलीफ हो ताकि मेरे को सुकून मिले। मैं जानता हूँ का कि तुम्हें ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, और ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब सिर्फ अपने दोस्त के लिए कर रहे हो। बस एक बार बिंदा जी को अम्बेशा को जाए कामया, बस एक बार बिंदा जी को उस भरोसे की कीमत पता चल जाए जो मैंने उन पे कभी किया था, जिसके बदले मुझे इतने सारे जख्म मिले और जिसकी सबसे बड़ी कीमत तो मुझे अपना बेटा दे के चुकानी पड़ी। बस एक बार बिंदा जी को वो सब पता चल जाए तो उसके बाद मैं तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहूंगा। ये मत समझना काम्या कि मैं तुम्हारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा हूं, मैं तो बस अपने दोस्त से थोड़ी मदद मांग रहा हूं, मुझे समझने की कोशिश करना। नहीं राज, दोस्ती के लिए नहीं, मैं जो भी कर रही हूं तुम्हारे प्यार के लिए कर रही हूं। तो तुम ये सब करके वृंदा को दुख देना चाहते हो राज, उसे वही तकलीफ देना चाहते हो जो कभी तुम्हें मिली थी। दिल तो चाहता है कि तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे कहे सच को भी झूठ समझोगे। समझ नहीं आता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, किसकी बात पर भरोसा करो? कौन हो सकता है वो आदमी जो मुझे ये सब बता रहा है? और अगर वो सच कह रहा है तो फिर जो काम्या ने कहा वो सब क्या था? कर रहा था कि आपके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखो।
राजवीर, जो वृंदा के साथ हो चुका है उसे मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं तुम्हारी कोई भी नाजायज कोशिश को पूरा नहीं होने दूंगा। यहाँ तुमने किसी से वृंदा को फोन करवाया और वहाँ एक फोन मेरा भी किसी को गया है।